लेकिन पूर्ववर्ती जो मोदी सरकार है उसमें 3 साल से लगातार हमारी मानदेय को नहीं दिया गया है। हम काफ़ी हैरान और परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेके और इस जंतर मंतर पे हम लोग कई दफ़े धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उग्र प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक कम्युनिटी विशेष के लिए अब तक हम लोगों की मानदेय नहीं दे रही है। अगर मैं मानदेय नहीं दे रही है तो इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। कागजी फॉर्मेलिटी की बात होती है कि अभी तक कुछ कागजात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से नहीं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि जब कागजी फॉर्मेलिटी की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी, केंद्र गवर्नमेंट आपकी, दोनों अधिकारी आपके हैं, डबल इंजन की सरकार है। जब आप डबल इंजन की सरकार में हमारी मानदेय नहीं दे पा रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी सरकार रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी सरकार रहेगी, तो आपकी तालमेल कैसे बैठे? यानी आपकी मंशा योगी सरकार की और मोदी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उनको लगता है कि हम अल्पसंख्यक कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 अध्यापकों में 6,000 अध्यापक हमारे हिंदू अध्यापक हैं और हिंदू अध्यापक में कोई जायसवाल पढ़ाया करता है, कोई अग्रहरी पढ़ाया करता है, कोई पंडित जी पढ़ाया करते हैं। और ये हम लोग गंगा जमुनी तहजीब का जो मॉडल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत में जो शुरू की गई थी वो आज भी चल रहा है, लेकिन उस योजना पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का ध्यान कट्टरपंथी योजनाओं पे जा रहा है और ये जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब का योजना है उस पे नहीं जा रहा है। हम इस सरकार का मजम्मत करते हैं क्योंकि हमारी मानदेय को ये पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम इस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे और चुनाव में इनका विरोध करेंगे। करने का मेन मकसद ये कि हमारे मदरसा टीचरों को पिछले 3 साल से वेतन नहीं मिला, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। एक तरफ सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबका साथ सबका विकास ये एक झूठा मतलब नारा उन्होंने दिया है, बल्कि मैं देखता हूँ खासतौर पर अल्पसंख्यक वर्ग में, खासतौर पर मुस्लिम और मुस्लिमों में खासतौर पर मदरसा, तो उन मदरसों का विनाश करने पर ये सरकार चली गई है। ये सीधा हम पर हमला कर रही है, हमारी तालीम पर हमला कर रही है। ये जो सरकार है आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो आप फिर आप क्या करेंगे? जब सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी, सरकार को मांगे पूरी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, उसका ये दायित्व बनता है जिस देश के वो नागरिक हैं उस देश के हम भी नागरिक हैं। और हमारा संविधान कहता है कि भारत के उन नागरिकों में से ही नागरिकों का नेतृत्व भारत के ही कुछ नागरिक करेंगे और उन नागरिकों का विकास करेंगे, विनाश करने के लिए संविधान नहीं कहता है। मोदी जी एक हाथ में कुरान की बात करते हैं, एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, ये सब झूठी आश्वासन है, मैं समझता हूँ जुमलेबाजी है, ये केवल एक छलावा है और हमारे मदरसा टीचरों के साथ खास तौर पर ये भेदभाव है। भेदभाव खुला मैं आपको ये बता दूं, जब प्रसिद्धीय विद्यालयों में वहाँ बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, हमारे मदरसों में क्यों नहीं दिया जाता? वहाँ फ्री ड्रेसें दी जाती हैं, हमारे मदरसों में नहीं दी जाती। वहाँ किताबें दी जाती हैं, हमारे यहाँ किताबें नहीं दी जाती। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि शिक्षक देश का निर्माता है, जब शिक्षक देश का निर्माता है तब जब शिक्षक ही अपने देश में रहकर वो भूखा रहेगा, आत्महत्या करने को मजबूर होगा, तो ऐसी सरकार का वो क्या करेगा? ऐसी सरकार का विरोध ही करेगा। अगर इस सरकार ने अगर 15 फरवरी तक हमारे मदरसा टीचरों का जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्रत्येक मदरसे में 3 टीचर काम कर रहे हैं, 3 साल का वेतन बकाया है, 15 फरवरी 2019 तक अगर वेतन नहीं दिया तो हम एक बड़ा आंदोलन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक करेंगे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध दीजिए। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारा
बकाया वेतन दो, हमारा बकाया वेतन दो, हमारा बकाया वेतन दो। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास के बैनर तले जो अन्ना जी का आंदोलन डालेगढ़ सिद्धि में चल रहा है, उसको जंतर मंतर में समर्थन देने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सुबह 10:30 बजे से अन्ना जी ने अपने गांव डालेगढ़ सिद्धि में अनशन शुरू कर दिया, निश्चितकालीन अनशन। अन्ना जी इसमें दो प्राथमिकता मांगे हैं। पहला है देश में सशक्त जन लोकपाल बिल कानून लागू हो, वह पास हो, वह अमल में लाया जाए। दूसरा, राज्य हर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। और दूसरी प्राथमिकता मांगा है उनकी किसानों का कर्जा माफ हो। जिस किसान की उम्र 60 वर्ष हो गई है उसके घर में कोई आय का स्रोत नहीं है, केंद्र सरकार उसको 5,000 रुपये की पेंशन मुहैया कराए केंद्र सरकार। साथ ही स्वतंत्र देश में स्वतंत्र राष्ट्रीय किसान आयोग स्थापित हो। साथ ही इसमें आपका अन्ना जी की एक प्राथमिकता मांगे है कि किसानों का कर्जा बस एक बार माफ, बार बार नहीं। जैसे कि पार्टियों का अटकंडा है कि बार बार करनी है, हमें बार बार नहीं, एक बार। ये अन्ना जी की प्राथमिकता मांगे हैं इसमें, जिसमें अन्ना जी की एक मांग अभी मान ली गई है महाराष्ट्र में, राज्यों में लोकायुक्त नियुक्ति होने वाली है, अभी मांग के ड्राफ्ट आए हुए हैं। तो प्राथमिकता जो मांगे हैं अन्ना जी की यही है, तो जिसके कारण हम दिल्ली में अनशन कर रहे हैं। जब तक ये अनशन नहीं मांगे मानी जाएंगी, जब तक हमारा अनिश्चितकाल अनशन और धरना प्रदर्शन चालू जा जाएगा। ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये हमारा जब तक अन्ना जी अपने गांव राले के सिद्धि में अनशन करेंगे, जब तक हमारा चलता रहेगा। लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार देश मुक्त हो जाएगा इस चीज़ से? लेकिन जब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये अन्ना जी हमारे एक चीज़ बोलते हैं कि जब तक जन लोकपाल बिल लागू नहीं होगा और अमल में नहीं लाया जाएगा, जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें एक जांचखंड होगा। लोकपाल है क्या? लोकपाल में जांचखंड होगा, इसके अंदर लोकपाल की नियुक्ति होगी, जांचखंड का अध्यक्ष होगा। इसमें कुछ धाराएं इन्होंने केंद्र सरकार ने जो संशोधन को रद्द, जो हम कहते कमजोर किया, उसको संशोधन को धाराएं जो रद्द करेंगे। अगर ये लिप्त पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर एक कमेटी बैठेगी और इसमें स्वतंत्र जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं या जो लोकपाल होगा उसका अध्यक्ष होगा, वो एक कमेटी गठित करेगा और उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिलेगी, कार्मिक मंत्रालय पीएम मंत्रालय से, और उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा पीछे तक कि इसके क्या चार्ज इन्हें दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। लोकपाल में एक चीज़ हो रहा है, अगर कोई अधिकारी A1 ऑफिसर रहा है और वो उसका पेंशन का भोगी कर रहा है तो पेंशन उसको नहीं मिलेगी, उसकी रद्द होगी। जो लोकपाल की होगी एक पेंशन मिलेगी, या तो लोकपाल की मिलेगी या उसकी मिलेगी। इसमें कुछ प्रावधान है लोकपाल की, आपको प्रेस में आपको दे दूंगा उसकी, वो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। लोकपाल क्यों देश के लिए ज़रूरी है, क्यों पार्टियाँ इसलिए नहीं करती, क्योंकि पता है अगर ये पार्टियाँ करती हैं, ये सरकार करती है, तो सबसे पहले इनके मंत्री जेल में। हम SC ST में अभी मार्कंडेय काटू सर ने कहा कि निषाद जो है ST है, 7.5% आबादी मार्कंडेय काटू सर, ग्रेट पर्सन, रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा कि 7.5% ST है और ST कहते हैं लेकिन हमें ST का आरक्षण नहीं है। अरे रामचरित्र निषाद इस मोदी जी के संसद में बैठते हैं, दिल्ली में बल्ला का सर्टिफिकेट बनवा करके रहने वाले, वो मैं उनके खिलाफ इस बार वहाँ वोट का बहिष्कार करवा के और उनको चुनाव हराऊंगा। अगर ये चैनल देख रहे हैं रामचरित्र निषाद जी, तो आप सुन लीजिए, आप 5 साल से मल्ला बिरादरी के होते हुए, मल्ला बिरादरी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात में है और आपका भाई भी पिछड़ी जात का, सगा आपका भाई, मैं जानता हूँ आपको, पिछड़ी जात का लाभ ले रहा है बेचारा, रो रहा, और आप अनुसूचित जात में दिल्ली से जा करके आप प्रमाण पत्र बनवाया आपने SC का, और आप मछली सर सुरक्षित सीट है जहाँ से केवल शेड्यूल कास्ट का आदमी लड़ सकता है, वहाँ आपसे आप सांसद हो गए वहाँ। आप क्या 5 साल में मोदी जी को आप नहीं बता सकते कि मैं हूँ UP का पिछड़ी जात का मल्ला और कैसे मैं SC से जीता हूँ? ये कैसी विडंबना है,
ये कैसी विडंबना है कि मल्लाह ये हमारे भाई भीमराज साहनी मल्लाह ये बैकवर्ड में रहेंगे, हमारे भाई हैं और मैं रामचैतन्य निषाद एसटी में रहूंगा। ये कहीं ना कहीं से सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार या मीडिया के अनुसार या संसद के अनुसार कहीं ना कहीं से कोई कमी है, जिसकी वजह से हमें जो है एसटी में होते हुए भी जबकि हम एसटी में दिल्ली में है, आप पता करिए, मैं आप रामचंद्र जी का आपको कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में मल्लाह से एसटी बन के आए हैं तो यूपी में क्यों नहीं करवा रहे हैं? यूपी में आप जीतने वाले हैं, आइए मैं आपको ऐसे है कि हम मछुआ समुदाय के लोग हैं और आज़ादी से लेकर आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज़ादी के बाद तक हम लोग जो है हमेशा सरकार के साथ रहे हैं, वोट किए हैं और हर बार इन सारे सरकारें जो आई हैं सबकी मदद किए हैं। लेकिन हम मछुआ समुदाय के लोग पूरे हिंदुस्तान में 30 करोड़ से अधिक संख्या हमारी है, आबादी हमारी है, ये मछुआ समुदाय के लोग सबसे गरीब और दबे कुचले पिछड़े हुए हैं, इनको कोई सरकार ध्यान नहीं देती है और यह लोग अपने श्रम के भरोसे अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारे द्वारा चुने हुए एमपी एमएलए आते हैं और हमें भूल जाते हैं, ऐसा करते 70 साल गुजर गया। हम लोग आरक्षण की मांग करते हैं कि हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हमें सरकार की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है, आज 70 साल गुजर गया। हम निषाद समाज के लोग कहीं बैकवर्ड में हैं तो कहीं सवर्ण में हैं, कहीं अनुसूचित जाति में हैं, कहीं अनुसूचित जनजाति में हैं, ये कहीं भारत में ये कहीं समाज के लोग कैसे विभिन्न तरीके से रहेंगे और क्यों इनको आधे लोगों को आरक्षण मिलता है, लाभ मिलता है, आधे लोग जो हैं मांगते मांगते थक रहे हैं। यदि ये कहीं निषाद है, ये कहीं भारत में रह रहा है, ये कहीं कानून है, ये कहीं सरकार है, तो इनको क्यों नहीं एक कानून लागू किया जाता कि इनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके, चाहे अनुसूचित जनजाति में हो चाहे अनुसूचित जाति में हो, दे करके इनके शिक्षा स्वास्थ्य और इनके नौकरी रोजगार की गारंटी क्यों नहीं भारत की सरकार लेती? अब से हम लोगों ने तय किया है कि अगर ये भारत सरकार जो है हमारा विचार नहीं करती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करके कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे, हम अपनी जान देने की तैयारी करेंगे इस सरकार के सामने अगर हमारा जो है हक है और हमारा जो है मांग नहीं पूरी है होती है तो। हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार दें, हमें आरक्षण दें और हम सरकार में बराबर की भागीदारी करेंगे, अगर नहीं देते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, निषाद समाज पूरे हिंदुस्तान का बहिष्कार करेगा। ये धन्यवाद। इतना मिल जाए तो वो इस देश में शराब, शराब का सवाल हर औरत का सवाल है, शराब का सवाल इस देश के भविष्य का सवाल है और इस देश की राजसत्ता अगर ये सुन नहीं सकती, इसका मतलब इस देश की महिलाओं का करुण चंदन उन्हें सुनाई नहीं देता। आज महाराष्ट्र की महिलाएं खड़ी हुई हैं, कर्नाटका में रैली हो रही है, तमिलनाडु में यात्रा हुई है, उड़ीसा की महिलाएँ यहाँ आई हैं, हरियाणा में मैंने यात्रा की है, पूरे देश की महिलाएं चाहती हैं शराब की समस्या से निदान पाया जाए और अगर इस चुनाव में पार्टियां नहीं बनाती इसका मतलब देश के महिलाओं की पीड़ा उन्हें समझ नहीं आती।